उस चक्कर में आप कन्फॉर्मिटी का एक प्रेशर के अंदर आप जाकर अपनी आइडेंटिटी अपनी आवाज को खो बैठते हैं हमारी एक बेसिक नीड है कि वी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप तुम कैसी बातें कर रहे हो हम तुमसे कट ऑफ कर देंगे यू आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप उस चक्कर में आप यू 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 टू 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 बी बी अ पार्ट ऑफ दैट गेट आउट दू डिब नहीं पढ़े तो तुम भी नहीं पढ़े वो भी नहीं पढ़ा मैं भी नहीं पढ़ी आज मेरा एक जो टॉपिक है वेरी क्लोज टू माई हार्ट स्पेशली जिस एज ग्रुप में आप सारे फॉलो इन करते हैं एंड दैट इज़ अबाउट द सोशल इन्फ्एंस मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो एज ग्रुप है दिस इज़ अ वेरी वनडरेबल एंड वेरी सेंसिटिव एज ग्रुप जहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है फॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन सर्टन टाइप्स ऑफ सोशल इंफ्लुंसिस और हमें ऐसा लगता है कि सोशल इन्फ्लुंस वही है जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर कि जो आपका सोशल इन्फ्लुंस है अगर उसके साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स अगर हम देखें दर देर मल्टीपल सो so, आज तीन तीन बेसिक सोशल इन्फ्लुस के बारे में जो आप लोगों से बात करूंगी और हर रोज़ वो आपको किस तरह अफेक्ट कर रहे होते हैं आपकी ओपिनियन किस तरह जनरेट कर रहे होते हैं आपकी आइडेंटिटी कैसे फॉर्म कर रहे होते हैं आपका एक्सपोजर कैसे वो फॉर्म कर रहे होते हैं आपकी जो एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन में वो कैसे एक फैक्टर प्ले कर रहे होते हैं so, सो उन तीन चीज़ों में आज कन्फर्मिटी कम्प्लाइंस और ओबीडियंस इन तीन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे इसके बेसिक मैकनिज़म्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे ये हैं क्या और ये तीन चीज़ें कैसे हर रोज़ एवरी डे इवन राइट नाउ एट दिस पॉइंट जब मैं आप लोगों से एड्रेस कर रही हूँ ये आपके अंदर आपकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ इस्टीम आपकी डिसीजन मेकिंग को ये कैसे इन्फ्लुंस करें आपकी ओपिनियन मेकिंग को कि आप जो सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है कैसे होना चाहिए ज़िंदगी के बहुत बेसिक मामलों में ये कैसे इन्फ्लुन्स कर रहे होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को जो जो आपके सोशल के अंडर अम्ब्रेला उनको हम डिस्कस करेंगे सो so, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरी एक्सरसाइज का आज के लेक्चर का दैट इज हम डिफाइन करें डिफ्रेंशिएट करें पहले तो हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये कन्फॉर्मिटी क्या है कम्प्लाइंस क्या है ओबीडियंस क्या है जैसे आप लोग जिसको इसका इन लफ्ज़ों को कैसे डी करते हैं लेकिन साइकोलॉजिकल मैकनिज्म इसके पीछे क्या है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आया क्या ये तीन चीज़ें एक ही हैं क्या या एक दूसरे से इंतहाई मुख्तलफ है ये मैं आपसे एंड ऑफ द लेक्चर आप लोगों से पूछूंगी कन्फॉर्मिटी कम्प्लाइंस एंड ओबीडियंस ये तीनों चीज़ें बिल्कुल मुख्तलफ और यह हर अपने तरीके से एक एक करके ये आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती है सो अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और इनके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्या है टू दी एक्सटेंट कि एक आद के तो मैं आप लोगों से जो हमारे साइकोलॉजिकल रिसर्च हैं वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी एक्सप्लोर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड इम्प्लीकेशन आप लोगों से ही मैं पूछूंगी कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपके पास क्या है आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट को आप जरा गो बैक इन टू योर पास्ट एंड लाइफ एक्सपीरियंस और आप बताएं कि हाँ यहां पर या तो मैंने एग्जर्ट किया या मेरे ऊपर यह इन्फ्लुएंस हुआ एंड स्ट्रैटेजीज और क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हम डिवेलप कर सकते हैं कि इन तीन चीजों का इंफ्लुएंस तो है और रहेगा सारी जिंदगी रहेगा इसको ये नहीं है इसको हमने ब्लॉक करना है नॉन नेचुरल ह्यूमन फिनमोना है लेकिन हावी नहीं होने देना कि आपकी डिसीजन मेकिंग में आपकी इंडिविजअुअल आइडेंटिटी आप कौन हो आप क्या चाहते हो आप क्या समझते हो सोचते हो आपकी आवाज कहीं ना खत्म हो जाए तो so, इन तीन चीजों को हमने कैसे एड्रेस करना बेसिक टिप्स टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जो आप लोग भी मुझे बताएंगे और मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सो थ्री मेजर सोशल अगेन आई एम इट बहुत तरह के सोशल इंफ्लुस होते हैं लेकिन जो बेसिक तीन है जो आपकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन को हेल्प uh, आउट कर रहे होते हैं आपके वैल्यू सिस्टम को जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं उसमें हमारे पास कंप्लाइंस ओबीडियंस एंड कन्फर्मिटी है टू वी हैव अ वेरी क्विक स्नैपशॉट शॉट होता है मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ काइंडली स्विच ऑफ योर फोन आप कंप्लाई करते हैं कि हाँ जी मैडम ने रिक्वेस्ट की सो so, मैंने एक रिक्वेस्ट की आपने उसको ख़त्म कर दिया कम्प्लाई ओबीडियंस भी शायद यही है कि आप यू नो बट मेरी अथॉरिटी फिगर है ये होता है कि उसमें हो सकता है कि um, फातमा जो है आप लोगों से अब अथॉरिटी फिगर ऐसे तो नहीं है जिससे मेरी अथॉरिटी फिगर है बिकॉज आई एम योर इंस्ट्रक्टर आई एम योर टीचर आप लोग मेरे स्टूडेंट हो नहीं और वो हो सकता है कि आप लोगों के ही आपकी ही आ, मतलब पावर हरारकी में अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा ऊपर ना हो आप लोगों के एज ग्रुप में ही हो लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करती है तो आप उसकी बात सुन लेते हैं इवन अक्सर का कम्प्लाइंस हम बच्चों के भी कर रहे होते हैं बच्चे आपसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं आप बच्चों की भी सुन लेते हैं उसमें पावर हरार नहीं होगी ओबीडियंस होता है थोड़ा सा जब हम किसी अथॉरिटी फिगर को जब हम आ, उनकी बात को मानते हैं उनके रिक्वेस्ट को मानते हैं और कन्फर्मिटी क्या होता है सोशल प्रेशर्स होते हैं हम क्या चाहते हैं वो कुछ नहीं लेकिन हम कन्फर्मिटी प्रेशर्स में कुछ ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जो शायद हम नहीं करना चाहते सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कन्फर्मिटी कन्फर्मिटी के देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये भी है आई स्टिल रिमेंबर बहुत लोगों को मैंने कहते सुना है कि हम शायद इतनी धूमधाम से शादी नहीं करना चाहते लेकिन लोग क्या कहेंगे सोशल वैल्यूज नॉर्म स्टैंडर्ड्स उसके चक्कर में शायद आप नहीं करना चाहते कोई ऐसी कोई रिचुअल uh, है जो हमारे कल्चर का पार्ट है कोई बिहेवियर है जो आप नहीं करना चाहते लेकिन आपको होता है कि अच्छा ऑल आउट ना हो लोग क्या कहेंगे लोग, लोग बातें करेंगे उस चक्कर में आप कन्फॉर्मिटी का एक प्रेशर के अंदर आप जाकर अपनी आइडेंटिटी अपनी आवाज़ को खो बैठते हैं इन ऑर्डर टू फिट इन इन द सोसाइटी याद रखिएगा कि हम uh, जो इंसान है इवन एनी ह्यूमन स्पीशी आई वुड से इट कि हमारे जो है एनिमल इंस्टिंग भी है हमारी एक बेसिक नीड है कि वी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप आपने जानवरों को भी देखा है दे वॉन्ट टू बार्ट ऑफ द ग्रुप वो हमेशा ग्रुप की फॉर्म में परिंदों को देखो ग्रुप की फॉर्म में उठते हैं इंसानों को भी ह्यूमन इंस्टिंग दैट वी वॉन्ट टू अबॉल एंड वी डोट वॉन्ट टू बी को एलूफ नहीं होना चाहते वी ऑल्टू बी पार्ट ऑफ सर्टन ग्रुप बिकॉज दैट हेल्प्स अस टू बिल्ड अर सेल्फ स्टीम हम अपनी शेयर करना चाहते हैं फैमिली ये जो एक इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वेस्ट का ये एटलीस्ट uh, मैं इसको इतना सपोर्ट नहीं करती दैट इज़ द रीज़न ऑफ लॉड ऑफ अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपके डिप्रेशन एंगजाइटी आइसोलेशन ये सारी चीज़ें uh, मेरे ख्याल से कि उस बहुत और तरह की प्रॉब्लम्स को सो यह कलेक्टिविज़म है हमारी सोसाइटी का जो एशियन कंट्रीज़ का है um, ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम का है आई थिंक वो मुझे बहुत पसंद है सो कन्फॉर्मिटी दैट इज़ चेंज इन योर बिहेवियर और योर बिलीव सिस्टम यानी कि अब मैं आपके बिहेवियर की बात भी कर रही हूँ और आपके थिंकिंग प्रोसेस की बात कर रही हूँ सो देर इज अ चेंज देर इज अ चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ रियल और इमेजिन ग्रुप प्रेशर आप शायद अकेले में अगर आप हो जब आप अकेले में हो तो शायद आप डिफरेंट तरह से बात करो बिहेव करो ये ओपिनियन रखो लेकिन वो ग्रुप रहो कि अच्छा सारे कह रहे तो चलो फ्रेंड्स में आप लोग क्या कहते हो यू डोंट वांट टू गो टू अ सर्टेन रेस्टोरेंट और डू नॉट वांट टू ईट लेकिन सारे दोस्त या सारे फैमिली मेंबर्स कह रहे हो कि नहीं नहीं हमने वही खाना चलो तुम सारे कह रहे हो तो चलो मैं भी खा लो तो वैसे तो मैं नहीं खा सकता ना ही मुझे वो चीज़ पसंद है लेकिन चलो तुम सारे चल रहे हो सो so, मैं अकेले में अगर मैं हूँ तो मैं कभी ना जाऊँ लेकिन वो ग्रुप प्रेशर में आके आपकी आइडेंटिटी आपकी आवाज़ जो है वो कहीं खो गई है अक्सर औकात अगर हम पॉलिटिकल अगर अच्छा चलो आप लोगों के अगर कॉलेज के ही स्कूल की ही कुछ डायनामिक्स को ही देख लें तो अक्सर औकात हम छोटे मोटे पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं आप शायद किसी एक uh, um, उसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहते किसी आवाज का या किसी भी एक मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते तुम दोस्त नहीं हो तुम ये कैसी बातें कर रहे हो हम तुमसे कट ऑफ कर देंगे यू आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप उस चक्कर में आप यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट बट स्टिल बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू गेट अ यू डोंट वॉन्ट टू बी ऑड आउट यू वॉन्ट टू फिट इन उसकी वजह से आप क्या करें आप वो कहते हैं लाइन जब मैं भी साइन कर देता तो ए नाम ऑल्सो पार्ट ऑफ द मूवमेंट मे बी यू डोंट वॉन्ट टू डू इट मे बी दैट्स नॉट योर ओपिनियन लेकिन आप खामोश होते हैं सो इन एक्टिंग और थिंकिंग डिफरेंटली फ्राम द वे यू वुड एक्ट एंड थिंक इफ यू वर अलोन एग्जाम्पल्स क्या है इसकी फैशन ट्रेंड्स हैं स्टडी हैबिट्स हैं आजकल का हमारा जो स्टडी हैबिट्स है यू नो इट आप में से कुछ अगर उसके बारे में कुछ बताए ग्रुप ओपिनियन है हाँ जी कोई एग्जाम्पल्स के हम कंफर्मिटी प्रेशर का कैसे हिस्सा बन जाते हैं कोई एग्जाम्पल आप में से जी आता है तो लेकिन कन्फॉर्मिटी प्रेशर का आप हिस्सा कैसे बनते है? दूसरे कैसे रहे होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑपोजिट भी होता है सब नहीं पढ़े तो तुम भी नहीं पढ़े वो भी नहीं पढ़ा मैं भी नहीं पढ़ता हो, तुम? तुम हो अभी तो बहुत टाइम है अभी तो हफ्ता पढ़ा है. हाँ चल, है खाने पीने चलते हैं क्रिकेट मैच देखने चलते हैं आप बस ये क्रिकेट मैच देख लें और ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मैच चल रहा है इसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं अब सारे कर रहे हैं मे बी यू वॉन्ट टू डू इट बट यू सिंस यूर पार्ट ऑफ द ग्रुप यूर पार्ट ऑफ दैट यू नो सर्कल आप अपनी किताबें बंद करेंगे एंड यू टू बी पार्ट ऑफ दैट थिंग मे बी यू रो वॉन्ट टू डू इट ठीक हो गया सो स्टडी ट्रेंड्स होते फैशन ट्रेंड्स हैं आजकल का फैशन है ये कलर पहनना ये कपड़े भारा पहनना और आजकल के जो जो भी ट्रेंड्स वहाँ रहा है सो so, साइकोलॉजिकल इसमें क्या है वो आगे हम देखेंगे ऑब्वियसली ग्रुप प्रेशर होता है डिजायर फॉर एक्सेप्टेंस होता है और हम अक्सर का जो कन्फर्मेटिव प्रेशर है बिकॉज हम उस नॉर्म का हिस्सा बनना चाहते हैं और नॉर्म्स क्या होते हैं द रूल्स स्टेब्लिश बाई द ग्रुप टू रेगुलेट वट इज़ एक्सेप्टेबल बिहेवियर नॉर्म्स हमारे क्या है कि हमारे जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है कि हमारे यहाँ जो शादियों में तीन चार फंक्शन होंगे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मेहंदी होगी फिर मेहंदी में ये रस्में होंगी फिर रस्मों के बाद फिर बारात होगी बारात में ये एड्रेस रस्में होंगी फिर सो so ये आपके ये नॉर्म्स ये आपके कल्चर हैं जो आपने डिसाइड किए हुए हैं दैट यू आइडेंटिफाई दैम एज़ नॉर्मल बिहेवियर आप इसे डेविएट करें लोग शायद आपसे बात भी नहीं करना चाहते मैंने बड़े रिश्ते इस खत्म होते हुए देखे, उन्होंने कहा अच्छा आप मस्जिद में निकाह करेंगे कोई फंक्शन वो कुछ भी नहीं करेंगे और निकाह करने के बाद वलीमा डायरेक्ट लिटरली इस बात के ऊपर लोग रिश्ता खत्म कर देते हमने इस, इसकी, इसका हिस्सा बनना एनी बिहेवियर so, क्या है हमारे बहुत सारे नॉर्म्स हैं जो चेंज भी हो रहे हैं हमने ये देखा है कि जो अब लड़कियां हैं खातीन हैं वो बाइक चलाना शुरू की शुरू शुरू में बड़ा इनप्रोप्रिएट किस्म का ये एक जेस्चर लेकिन जितना जितना कॉमन होता जा रहा है मैं ये देख रही हूँ कि हमारे जो अपोजिट जेंडर यानी कि मेल इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू किया हाँ जी महंगाई इतनी है साइकिलों पर हम आ जाएंगे ये तो फिर भी बाइक पर बैठ जाएंगे सो so वो एक, एक, एक नॉर्म है जो मैं उस दिन देख रही थी कि आपके मे कौन सी यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल वो साइकिल चलाकर आ रही थी उन एम कॉलेज एम कॉलेज की जो प्रिंसिपल वो बड़ा वो मशहूर उनकी वीडियो हुई आई मीन दैट इज नॉट द नॉर्म्स वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर शायद दूसरा नहीं है सो अप्रोप्रियट बिहेवियर हमने डिसाइड किया तो हम उसको देख कर करें हो oh, अच्छा ये किसने कहा कि है और किसने कहा यह एबनॉर्मल नहीं है ये कौन डिसाइड करता है ये हम डिसाइड करते हैं जिससे हमारे कल्चर का हमारे रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है वैसे ये नॉर्म्स और कल्चर बनते कैसे हैं कभी सोचा है आज जो हमारे नॉर्म्स हैं कि अच्छा जी आ, सिर्फ मर्द जो है वो बाइक चलाएंगे औरतें नहीं चलाएंगी ये किसने नॉर्म बनाया क्यों हम क्यों नहीं चला सकते मैं एक वैसी बात कर रही हूं चला तो सभी सकते हैं, लेकिन ये ये जो कल्चर है ये नॉर्म है और हम जब किसी लड़की को बाइक चलाते हुए देखते हैं तो हम एकदम तो बहुत उसको हैरानगी की नज़र से देखते हैं कि अच्छा मैं ये पूछती हूँ कि पहले से ये ये जो कल्चर है कि सिर्फ यही होगा कि नॉर्म किसने सेट किया था हु सेट दैट और ये कैसे बनता है ये कल्चर ये नॉम कैसे बनते प्रैक्टिस कैसे बनती हैं है, तो है? चाहे वो जितने भी इन क्यों ना हो चाहे जब हम उस पर गौर से बात करें तो मैं कहूँ लॉजिक समझ नहीं आ रही मुझे ये हम इस कल्चर के इस नॉर्म का हिस्सा क्यों है जब ये हमारे लिए कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं है ये इस तरह का सोचना ऐसा बिहेव करना तो ये कैसे हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया और इसको अपने जिंदगी हिस, का हिस्सा कैसे बना लिया वाई कुछ जी सोसाइटी का मैं बिल्कुल आप सही कह रही लेकिन ये नॉर्म्स बनते कैसे हैं कौन डिसाइड करता है कि ऐसे ही होना चाहिए कौन डिसाइड करता है पहले ज़माने में कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी और उनका जहेज़ रेडी होगा और जहेज़ हमने देना इवन हमारे इस्लामिक प्रैक्टिसेस के भी अगेंस्ट है लेकिन कल्चर नॉर्मल लोग लोग तो आपको पता ना पुरानी आप लोगों को पता नहीं आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं कि नहीं पहले तो शादियों में क्या होता था कि जो लड़की को जहेज़ में चीज़ें दी जाती थी या कपड़े वगैरह दिए जाते थे वो वलीमे वाले दिन या बारात वाले दिन वो सूट खोल के लोगों को उसमें दिखाया जा रहा होता था कि हम ये दे रहे हैं ये दे रहे हैं कपड़े ये दे रहे हैं फिर लड़के को दुल्हे को ये कपड़े जा रहे हैं और ये चीजें जा रही हैं लिटरली वो दिखाया जाता था आहिस्ता आता वो कल्चर वो नॉम बंद हुआ वो प्रैक्टिस बिकॉज उस जमाने में इसको बड़ा वो कन्वीनियंट और बड़ा सही समझा जाता था मेरा ये सवाल आप लोगों से ये है कि जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है आप लोगों ने आई एम टॉकिंग अबाउट यू अपने आप को अलग मत करें नहीं जी हम तो पैदा हुए थे तो हम पे थोप दिया कर हम करते रहे नहीं ऐसे नहीं है यू अगर आप किसी चीज़ को हवा दे रहे हैं अगर आप किसी चीज़ को री कर रहे करें तो आप उसका पार्ट है और आप ही उसको बनाने की भी जो है वो कोशिश भी कर रहे हैं एनी सो कमिंग टू दिस हाउ नॉर्म्स एंड कल्चर्स आर डिवेलप इसकी एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे सकती हूँ एक एक्सपेरिमेंट किया गया फाइव मंकीज़ का इज़ जस्ट वन सिंपल एक्सप्लेनेशन जो आप लोगों को बड़ी मज़े के लगे की लगेगी कि हम कैसे डिटर्मिन करते हैं कैसे सेट करते हैं कि कोई भी बिहेवियर है वो किसी कल्चर का पार्ट है और वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है तो एक रिसर्चर uh, um, ने बताया कि नॉर्म्स और कल्चर्स ये डेवलप कैसे होते हैं उसने बताया कि पांच मंकीज उसने इस तरह एग्जाम्पल से उसे समझाने की कोशिश की कि हम किसी भी सोसाइटी में चाहे वेस्ट है चाहे ईस्ट है चाहे हम किसी भी दुनिया के कोने में है जो स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड वॉट इज नॉट एक्सेप्टेबल इवन जब आप उसको सोचते भी नहीं हो कि यार हम ये क्यों कर रहे हैं ये किसने सेट किया है यह कौन कहता है यह कौन किसने कहा है कि ये नॉर्मल है एबनॉर्मल तो उसने एग्जाम्पल उसने पांच फाइव मंकीज का दिया उसने कहा एक्सपेरिमेंटर था उसने ये फाइव मंकीज लिये और उसने भूखे मंकीज थे और एक लेडर पर बनानास रख दिए अब ऑब्वियसली मंकी एक चढ़ता बनाना को जाके पकड़ने की कोशिश करता तो जैसे ही मंकी एक दो स्टेज चढ़ता तो ऊपर से ठंडा यख पानी जो था ना वो रिसर्चर पानी छोड़ देता उन मंकीज़ के ऊपर तो सारे मंकीज़ भीग जाते अच्छा एक दफ़ा हुआ फिर दूसरी दफ़ा ऐसे हुआ दोबारा तो कोई मंकी को भूख लगी उसने देखा बनानाज है वो फिर उस लेटर के पास के उसको चढ़ने की कोशिश की तो जैसे उसने बनाना के करीब आने फिर ठंडा यख पानी जो था ना उनके ऊपर छोड़ा गया फिर तीसरी दफा भी ऐसा हुआ अब जो जितने भी मंकीज थे ना कोई भी उस लेडर के करीब जाता था ना जैसे कोई मंकी तो वो दूसरे चार मंकीज जो थे ना वो उस जो मंकी लेडर के पास जाता उसको पकड़ के मारना शुरू हो जाते कि तुम्हारी वजह तुम अगर जाने की कोशिश करो ठंडा पानी आएगा तो हम सारे भीग जाएंगे और हम इसरा मर जाएंगे तो तुमने उधर जाना है नहीं है और यही होता रहा कि जैसे कोई लेडर के करीब जाता वो चार बाकी के मंकीज उसको पकड़ के खूब कुटते अब क्या हुआ रिसर्चर ने क्या किया कि हर एक मंकी को रिप्लेस करना शुरू कर दिया फॉर एग्जाम्पल इस मंकी को निकाला और एक नया मंकी ले आया अब उस मंकी को नहीं पता कि यहां का क्या सिस्टम है वो देखता है बनाना है वो जाता लेडर के करीब वो बाकी के जो मंकी थे उसको पकड़ के कूटते यार तुमने उधर नहीं जाना तुम्हारी वजह से ना हम भीग जाएंगे फिर वो जाने की कोशिश करता फिर वो मंकी उसको पकड़ते और कूटते उसको समझ ही नहीं आएगा यार ये मुझे क्यों मारते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा इसी तरह रिसर्चर ने क्या करना शुरू किया कि फिर एक और मंकी को रिप्लेस कर दिया अब वो भी मंकी आया उस नए माहौल में था जैसे आप लोग पैदा हुए आप भी नए माहौल में आए उसने कहा कि यार ये बनानाज है वो भूखा उसको अब वो जो रिप्लेस हुआ हुआ है वो भी उस ग्रुप का मेम्बर बन चुका है तो वो भी जब नया मंकी जो रिप्लेस हुआ और उसको जब लेडर के करीब जाता तो वो चारों मिलके फिर उस मंकी को भी मारते वो कहे यार नहीं नहीं क्या किया लेकिन वो मारते उसको पकड़ते खूब उसको कुटते फिर वो जाने की कोशिश करता फिर उसको कुटते अब हुआ क्या कि रिसर्चर ने एक एक करके सारे मंकी को रिप्लेस कर दिया तो अब कोई भी अब तो किसी नहीं को नहीं रीजन पता कि हम एक दूसरे को क्यों कूट रहे और इसी तरह आपका ये जो नॉर्म है ये आपका कल्चर स्टेब्लिश हो जाता है किसी को नहीं पता वो चाह कोई भी मंकी नया आता ना उसको सारे पकड़ के कूटना शुरू हो जाता है क्योंकि हमने भी ऐसे ही देखा था इसलिए हम भी ऐसे ही करेंगे क्योंकि हमने भी अपने बचपन में ऐसी ही चीज़ देखी थी इसलिए हम भी ऐसे ही करते हैं आप लोगों की बड़ी गलत किस्म की जो ट्रडिशन है आपकी फैमिली में वो चलती आ रही है यू नो इट बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बड़ी गलत किस्म की ट्रेडिशन्स है वो हम देखते हैं कि हम उसका प्रैक्टिस का या अपने कल्चर में उस प्रैक्टिस का जो है वो हम uh, शिकार होते हैं अच्छा जी इस कन्फॉर्मिटी गुड अ बैड हाँ जी कन्फॉर्मिटी क्या ठीक है कि गलत है गलत है इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड इट डिपेंड्स कि आप उसको कितना देखो अगर देखा जाए कि ये इनहेरिटली कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन अगर उस कन्फॉर्मिटी में आपकी अपनी आवाज़ कहीं ख़त्म होगी आपकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो चुकी है सो so अगर आपको इसलिए आप ये कर रहे हो कन्फॉर्मिटी प्रेशर में इसलिए आगे हो कि मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने अपनी आवाज़ उठाई या मैंने कुछ कहा ना तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे लोग मुझे मारेंगे मुझे वही मंकी की तरह कूटेंगे तो वो उस उस फियर में अगर आप कर करें तो नेगेटिव है इफ़ यू रियली बिलीव इन टू इट कि हाँ यार सोशल हार्मनी के लिए सबकी खुशी के लिए कर लेते हैं मुझे फर्क इंडिविजुअली नहीं फर्क पड़ता एंड इट इज़ नॉट आउट ऑफ द फियर एंड आई रिकोगनाइज कि मेरे बिलीव क्या है लेकिन इस टाइम इस सिचुएशन की जो तकाजा है उसके मुताबिक मैं मुझे ये काम करने से कुछ बेहतरी है सो लेट मी बी अ पार्ट ऑफ इट सो वेन कन्फॉर्मिटी अकर्स बिकॉज ऑफ द फ्यूर ऑफ कंसर्न ऑफ सोशल स्टैंडिंग और हैज़ अ डेंजरस कॉन्सिक्वेंस अगर हम कहते हैं ना कि अगर हमने अपनी आवाज़ उठाई या कोई और ओपिनियन खड़ा किया तो मेरे तो बहुत ही बुरे हालात होंगे तब ये नेगेटिव है सो so, पॉजिटिव कब होगा कन्फर्मती डेट प्रोटेक्ट द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द ग्रुप वही वाली बात है जो हमारी कलेक्टिविज्म सोसाइटी की एक जो ट्रेडिशन की बात है म्यूचुअल डिसाइडिंग टू रिस्पेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर इंस्टेंस सोसाइटी सक्सीड सो ये हम म्यूचुअली डिसाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल कि इस टाइम जब मैं लेक्चर आप लोगों को दे रही हूं तो सब अपने मोबाइल फोन बंद रखना है अच्छा इसने भी बंद किया इसने बंद किया मुझे भी बंद कर लेना चाहिए सो इट इज अ पॉजिटिव थिंग इतना नेगेटिव भी नहीं होता हम कुछ सोसाइटी रूल्स हम सेट कर लेते हैं मोहल्ले के कुछ रूल्स होते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के uh, 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 जो है गेट लगा हुआ होता है और म्यूचुअली डिसाइडेड होता है म्यूचुअली डिसाइड इट इज इक्वली बेनिफिशियल सो उस टाइम्स वेन इट इज फॉर द हार्मनी और आपकी साइकोलॉजिकल वेलबिंग well के लिए अगर अच्छा है तो ये चीज़ ठीक है इतना भी बुरा नहीं है एनी वेज सर इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स uh, क्या हैं सोशल कोहेजन शेड वैल्यूज नॉर्म्स हैं इट्स इट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अगर आप उसको पॉजिटिवली उसको देखें इनक्रेज पीपल टू टू द मॉरल स्टैंडर्ड्स कुछ मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं देखो मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारे कल्चर के डिफरेंट है और काफ़ी और दुनिया के ममालिक के और उनके कल्चर्स के डिफरेंट है। इवन आप देखो कि पाकिस्तान में आ, जो पठानों का कल्चर उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है, हमारे डिफरेंट है, एंड सो सो सफोर्ड हमारे जो ट्रेडिशनस हैं वो डिफरेंट है। वहाँ पर अक्सर वक़ात अगर हम आ, किसी बड़े से बात करते हो तो सलाम करते हैं और अपनी नज़रें झुकाते इस तरह बात करते हैं और अपने बड़े से इस तरह हमेशा हम नज़रें झुका के बात कर रहे होते मे तो भी हमारा ये मॉरल स्टैंडर्ड है कि हमने हमेशा हम बुल रहना है और अपने बड़ों को किस तरह से देनी है अब वहाँ पर अगर आप वेस्ट में जाएँ अगर आपसे कोई बात करो और आप उनकी आंखों में बुला के यूँ यूँ देख रहे हैं और यूँ करें यूँ तो वो बदतमीज़ आपको समझते हैं सो कभी कभार हमारे लिए बहुत अच्छा होता है ग्रुप आइडेंटिटी सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड टू दॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ़ दैट ट पल्चर ये उसके लिए कहीं ना कहीं बेहतर होता है नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि अगर आपकी लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी आपका ओपिनियन अगर उसकी आवाज बन रही बंद हो जाती है देन इट हैज ए नेगेटिव इफेक्ट अच्छा जी सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कम्प्लाइंस का था सोशल इन्फ्लुएंस में मैंने आज आपसे बात की थी कि हम तीन बेसिक चीज़ों को स्टडी करेंगे तो द सेकेंड चीज़ जो हमारी है वो है कम्पलाइंस के ऊपर कम्पलाइंस क्या होता है कि अब मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट शेयर करती हूँ अब रिक्वेस्ट कोई भी कर सकता है जरूरी नहीं कि मैं अथॉरिटी फिगर हूँ हो सकता है कोई भी आपसे आपके बच्चे आपकी बहन भाई जो छोटे हैं आपसे कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है और आप उस रिक्वेस्ट को कंप्लाइंस आप उसको कहते हैं कि आप कंप्लाई करते हैं किसी के रिक्वेस्ट को सो कम्पलाइंस रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिस्पॉन्डिंग फेवरेबली यानी कि इन अ अस आप किसी की रिक्वेस्ट को येस yes करते हैं टू एन एक्सप्लिसिट और रिक्वेस्ट ऑफर्ड अदर्स अब मैंने यहां पर दो वर्ड्स यूज किए एक्सप्लिसिट और इम्प्लेसिट रिक्वेस्ट होते हैं एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट क्या होगा सर मैम काइंडली डोनेशन दे दीजिए रमजान आ रहा है काइंडली कुछ बच्चों के लिए यह हमारा यहाँ अदारा है ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कोई भी हो सकता है आप उस रिक्वेस्ट को कंप्लाई करते हैं और सौ रुपया पांच सौ रुपया जितनी भी आपकी हैसियत है आप वो देते हैं और Uh, ये हो गया एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट करना इम्प्लिसिड में क्या होगा एडवर्टीजमेंट्स um, लगे हुए होंगे एडवर्टीजमेंट क्या कर रहे हैं कि वो आपको रिक्वेस्ट करें कि हमारा प्रोडक्ट लें ठीक हो गया सो so, इम्प्लिसिड भी हो सकता है इन ऑल द केसेज द टारगेट रिकग्नाइजेज दैट ही और शी बी टू हीड सो जाए वो एक्सप्लिसिट इंप्लेसिड रिक्वेस्ट है वो क्या राय हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि हम उनको कंप्लाई करें बेसिकली बस यही बात हो रही है ठीक है इन सिंपल वर्ड कंप्लाइंस इज गेटिंग पीपल टू से येस To a request uh, why compliance obviously people make direct request of um, uh, request of us salesmen's hamare appears peers hai, friends hamare friends family um, हमारा जो सोशल सर्कल है वो हमसे हर वक्त कोई ना कोई रिक्वेस्ट कर रहा होता है हमारे बड़े रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ऑनरिंग दोज रीजनेबल रिक्वेस्ट हेल्प समू टू डेट द सोशल फैब्रिक ठीक है हम जब भी किसी के रिक्वेस्ट को कंप्लाई करते हैं कि येस yes करते हैं सो so, एक सोशल फैब्रिक हमारा एक हारमोनी जो है वो स्टेब्लिश होती है हेल्पिंग अदर्स एंटिसिपेटिंग देर हेल्प इन द फ्यूचर मेक्स एम अ गुड सोशल बॉन्ड ऑब्वियसली किसी को येसो yes, so हम यू you नो know, एक सोशल आपका वो एक बॉन्ड जो है आपकी जो फ्रेंडशिप है जो आपकी कमिटमेंट है टू द अदर पीपल वो आपकी एक स्ट्रांग होती है अच्छा जी फॉर एग्जाम्पल अब इसके कम्पलाइंस के ना बहुत सारे टेक्निक्स अब आप ये देखोगे कैसे कैसे हम कंप्लाइंट्स करना शिकार होते हैं वुड सी इसकी कितनी कंप्लाइंस की टेक्निक्स है अगर कोई किसी ने अगर बिजनेस में कंप्लाइंस को अगर स्टडी किया हो कि हम आ, जो सेल्स सेल्स के जो लोग होते हैं वो हमें जब उनके पास कस्टमर्स आते हैं वो कौन कौन सी ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू अब वो किस तरह हमें मनवा लेते हैं कि हम उनका प्रोडक्ट उठा लें इतनी चीज़ें हैं इतने प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं का क्यों कैसे उठा लें ये उनको सिखाया जाता है बताया जाता है मैं ऑब्वियसली कम्प्लाइंस का तो चैप्टर नहीं है तो उसमें कुछ टेक्नीस आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी सो एक है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहती हूँ कि ये जो मार्कर है लेट्स यू ये हज़ार रुपये का है लेकिन चले मैम आपकी तो चॉइस बहुत अच्छी है सर आपकी ज़बरदस्त चॉइस है आपके लिए सर नाइन फिफ्टी नाइन अच्छा सर सर चले नाखरी, अब आपके लिए सर दिस इज़ फॉर हंड्रेड रुपीज़ आपके लिए एट हंड्रेड रुपीज़ का मैं कर देता हूँ so, सो एक बड़ी रिक्वेस्ट से आप उस पर छोटे पर आ गए जस्ट बिकॉज कि वो आप वो आपको ये बता रहा है कि देखिए मैंने आपको फेवर किया है यू नो you know, पहले आपने इतनी लार्ज और फिर आपने उसको तो आप उसको हम वन ऑफ़ द कम्पलाइंट टेक्निक जिसको हम कहते हैं डोर इन द फेस कि आप पहले लार्जर रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन आपके लिए सर आपके लिए मैम क्योंकि आप स्टूडेंट हैं आपके लिए जो हज़ार रुपये की चीज़ है मैं आपको टू हंड्रेड रुपीज का डिस्काउंट यानी कि ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट दूंगा और आपको एट हंड्रेड के लिए आपको ऐसा लगता है ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट और मुझे सिर्फ मिल रहा है आप वो ये करना शुरू कर देते हैं सो डोर इन द फेस टेक्निक इज अ स्ट्रैटेजी दैट इन मेकिंग अ लार्ज अनरी रिजनेबल रिक्वेस्ट फॉलोड बाई फॉलोड बाई स्मॉलर मोर एक्सेप्टेबल वन शायद अगर आप एट हंड्रेड से शुरू करते हैं तो आप कभी ना मानते वो इतनी बड़ी आपको रिक्वेस्ट थी फिर आपने देखा नहीं यार ये तो कर लेकिन आपके लिए आपको पसंद है और आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है और आपकी पर्सनालिटी के साथ भी ये कलर बड़ा अच्छा जाता है एग्जांपल तो चले आपके लिए 800 हंड्रेड कहें कि हाँ चलो ठीक है फिर दैट्स नॉट ऑल टेक्निक वो भी करते हैं कि सर आपको सिर्फ इस पेन के साथ आपको जो है फ्री सर्विसेज भी दी जाएंगी और साथ साथ आपको जो गिफ्ट पैड भी दिया जाएगा राइटिंग पैड भी दिया जाएगा और इसके साथ ये भी होगा और आपको जो है हम एक टिकट देंगे आप कुरंदाजी में भी शामिल करके अपना उम्र का टिकट जो है वो भी आजमा सकते हैं कहते हैं हाँ जी आठ सौ रुपये में मुझे फिर फ्री में मुझे जो हो सकता है बीस रुपये का राइटिंग पैड हो वो भी मिल जाएगा और फिर मुझे वो टिकट भी दे देंगे हो सकता है उसमें से कोई मेरे लिए एक कॉपी तोहफा निकला है जो यूजुअली आपको पता है कुछ भी नहीं निकलता है सो दैट्स नॉट ऑल टेक्निक ये भी कम्प्लाइंस है आपने येस yes कर दिया ठीक हो गया फिर उसके बाद होता है फुट इन द डोर टेक्निक उनकी एक होती है आपने ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट पहले शो करते हैं कि आप ये कार्ड ले लें आ, सिर्फ पाँच सौ रुपये का है और उसके बाद कोई चार्जेस नहीं है जो बैंक भी टेक्निक्स करते हैं कि हमारा क्रेडिट कार्ड ले लें उसके बाद आप ऐसे चक्कर में घूमते हैं कि वो कभी ज़िंदगी में नहीं छोटी रिक्वेस्ट फिर बड़ा आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोई फैमिली में आपके दोस्त बहन भाई पियर्स कोई भी आपसे रिक्वेस्ट करते हो कि भाई पाँच दे दो नेक्स्ट टाइम आपसे सौ हज़ार रुपये स्टार्टिंग विद अ स्मॉलर रिक्वेस्ट एंड देन गोइंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर ठीक हो गया सो so, ये इसी तरह है सो फुट इन द डोर टेक्निक भी कम्पलाइंस का है कि आप शुरू में येस कर देते हो क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया क्या हाँ यार ये तो बड़ा सस्ता है ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है मैं इसका शिकार हो चुकी हूँ मैंने उसको किस तरह मैंने जान छुड़ाई मैंने कैसे से बंद किया उस क्रेडिट कार्ड से वो मुझे ही पता है मैं नाम तो नहीं लूँगी ऑब्वियसली रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन इट वॉज अ वेरी वेरी बैड मैडम आपको हर चीज़ फ्री आपकी यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे इस कार्ड का बिल्कुल कुछ नहीं होगा आपने बस स्टार्ट करना है और आप इन्जॉय करें पेमेंट्स करें और कुछ भी नहीं है वाकई बड़ा मज़ा आया मुझे जब बिल आना शुरू हुआ <laughs> 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 क्या ये क्या चीज़ है और ये ऊपर से जी वो आप एक दिन लेट हो गई तो एक दिन के लेट ऊपर होने के वो इतने चार हैं ये तो आपने नहीं बताया था एंड सो सोन सो फोर्थ वो इस तरह की चीजें जो है आप यू स्टार्ट ऑफ विद द स्मॉलर वन और फिर वो आपकी बड़ी सो so, इस टेक्निक को हम कंप्लाइंस की मैंने तो ये yes कर दी आपने भी येस yes कर दी सर so, उनका उनकी वो सेल्स पर्सन कैसे कामयाब होते हैं इस टेक्निक को मैंने आज आपको बताया दैट इज फुट इन द डो फिर अथॉरिटी वो अक्सर का हम एड्स देख रहे होते हैं कि फ्लान जो है एक्टर जो है ना उस घर में रह रहा है उस सोसाइटी में रह रहा है इसका मतलब अगर वो कह रहा है तो फिर ठीक ही होगा अगर वो उधर रह रहे हैं तो शायद अगर ये कह रहे हैं हम उसको मानते हैं और ये बात अगर हो रही है तो फिर सो अथॉरिटी फिगर डेड लाइन टेक्निक ऑनलाइन अगर जितने भी आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो डेड लाइन चाह रहे होते हैं एट थ्री आवर्स लेफ्ट ट्वेंटी मिनट्स लेफ्ट टू अवेल द डील एक्चुअली वो ट्वेंटी मिनट्स कभी भी नहीं खत्म होंगे आज भी खोल के देखो ट्वेंटी मिनट्स ही चल रहे हैं डेड लाइन टेक्नी हो तो हम कहते हैं बीस है, मिनट रह गया पाँच सौ की चीज़ है वो एक्चुअली उसकी कीमत शायद दो सौ रुपये हो लेकिन वो आपको लगता है डेड लाइन खत्म होने वाला खरीद लो ठीक है यूजली हमारे ब्रांड्स हमारे ये सेल्स पर्सन ये क्या कर रहे होते हैं डेडलाइन टेक्निक होती है सोशल वैलिडेशन वी कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट दैट वी व्यू एज बीग कंसिस्टेंट विद बट पीपल सिमिलर हम देखते हैं कि सब ये कर रहे हैं यही कलर खरीद लें सभी ये कर रहे हैं चलो मैं भी ये कर लेता हूँ सर आप देखें ना यहाँ पे ये सारे जो है ये इसकी बड़ी डिमांड इस प्रोडक्ट की आप भी यही ले लें अच्छा सब ये खरीद रहे हैं चलो मैं भी आप ले हार्ड टू गेट सर ये आखिरी पीस रह गया मैम ये आखिरी चीज़ है ये आपको कहीं किसी भी ब्रांड से नहीं मिलेगा हम यस कर देते हैं और वो चीज खरीद लेते हैं ये आखिरी कलर रह गया एडमिशन का आज लास्ट डेट है आखिरी सीट रह गई है। कोई आखिरी डेट नहीं होता कोई आखिरी सीट नहीं होती ठीक है ये हम खुद भी करते हैं और हम इसका भी शिकार हैं और ये चीज़ें हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन को हमारी एक्सपीरियंस को डिफाइन करती है हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस को डिफाइन करती है अच्छा जी इसकी इसकी इंप्लीकेशन क्या है कम्पलाइंस की इसकी पॉजिटिव नेगेटिव इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है ऑब्वियसली कॉप्रेशन है सोशल हार्मनी है नेगेटिव क्या है एक्सप्लॉटेशन है मेनिपुलेशन है आप हमें एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते ये हमारा ह्यूमन राइट right है आप हमें मेनिपुलेट नहीं कर सकते ये सारी टेक्निक्स मेनिपुलेशन थी ये सब मैंने हर रोज हमें कोई ना कोई मनीपुलेट और एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर रहा होता है बाहर की दुनिया छोड़ो हमारे अपने घर वाले भी कर रहे होते हैं बहन भाई भी कर रहे होते हैं दोस्त दोस्तारा भी कर रहे होते हैं किसी तरह उनकी रिक्वेस्ट को यस करते ठीक है चीके? आप में से किसी को कोई कोई एग्जाम्पल याद आ रही हो कोई ऐसी चीज़ का यार हम इसका शिकार हुए हैं कि हमारे दोस्त ने एक दफ़ा छोटी सी कई थी शुरू ही हो गया था बस ही नहीं कर रहा था मैंने उसको एक असाइनमेंट बना के दिया वो सारा दिन हर वक्त ही जब भी कोई असाइनमेंट मिलती वो मुझे कहता बनाने को मतलब एक दफ़ा क्या हेल्प कर दिया अब तो शुरू ही हो गया स्टार्टेड विद अ तो स्मॉल एंड गोइंग फर्दर एंड फर्दर ठीक है मेरा ना बहुत मुश्किल फंस गया हूँ मैं कहीं में मैं मेरी हेल्प कर दो डेडलाइन टेक्निक में जो उधर उधर डेडलाइन है मेरी आप कहते हो तो चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ वो एक्सप्लाइट करें मैंने प्लेट करें उसकी कोई डेडलाइन नहीं है हम हर रोज या तो हम खुद भी कर रहे होते हैं या हम इसका शिकार हो रहे होते हैं ठीक है लास्ट है ओबीडियंस ये भी एक सोशल इन्फ्लुएंस है ओबीडियंस ओबीडियंस हम यूजुअली अथॉरिटी फिगर को कर रहे होते हैं ओबीडियंस है ना हमारी ओबीडियंस है हमारी इस पर कल्चर भी हम, हम हमारा रिलीजन आ जाता है ंस में हमारे जैसे यू बिंग एन ओबीडियंट टू मी राइट नाउ टू यूर टीचर्स अपने पेरेंट्स को डायरेक्ट ऑर्डर कमांड मैंने आपसे कहा प्लीज काइंडली ये काम करें आपके पेरेंट्स ने कहा कि प्लीज रात को आपने बारह दस बजे के बाद घर से नहीं निकलनाथॉर्टी फिगर के आपने उनके रिक्वेस्ट को एक अथॉर्टी फिगर ने कहा है तो आप वही करेंगे बिकॉज वो आपकी फैमिली का हेड है वाई ओबीडियंस मेनी पीपल हैव द पावर ओवर अस लॉ एन्फोर्समेंट बड़ा दिल करता है फास्ट ड्राइविंग करने को वन व्हीलिंग करने को करो फिर जो आप जब आपको पुलिस लेके जाएगी और वो आपके साथ जो हशर करेगी फिर उसके जिम्मेदार आप लोग खुद ऐसी हम फीमेल्स के साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो लॉ इन्फोर्समेंट की वजह से ऑब्वियसली हम नहीं कर पा रहे क्योंकि ये जो आ, हमारे जो आ, है बच्चे हैं लड़के हैं ये ज़्यादा शरारती हैं एनी सो पेरेंट्स

एक अथॉरिटी फिगर पर आ, एक स्टडी की गई थी जिसको हम मिलग्रम की स्टडी के नाम से जानते हैं उसने ये मिलग्रम जो था ही वॉज अ जू इसकी स्टोरी का बैकग्राउंड थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ये जो रिसर्चर था इसके पेरेंट्स को मॉल वो टू में उस हॉलो में मारा गया था ये जब बड़ा हुआ तो उसने कहा कि मेरे बहन भाइयों ने मेरे माँ बाप ने किया क्या और क्यों उनको मारा गया मेरे आंखों के सामने वो बच्चा था ना उसने तो कहा कि क्योंकि उन लोगों को ऑफिसर्स उन को उनकी अथॉरिटी फिगर ने कहा तो उन्होंने जाके मेरे माँ बाप को मार दिया मेरे बहन भाइयों को मार दिया हम इतने ओबीडियंस हो गए कि आपको समझ ही नहीं आ रही आप क्या कर रहे हो मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कि ये जी आप जाएं और उन चार लोगों को वो बच्चे हैं वो औरत है वो, वो बूढ़ा आदमी है कुछ नहीं किया और मैं आपको कहूंगा उसको जाके मारू क्या मान लोगे तो इस फिनना को स्टडी करना चाहता था कि भाई कैसे हो गया मेरे मेरे फैमिली को मेरी आंखों के सामने मारा गया जस्ट बिकॉज ऑफ ओबीडियंस कोई दुश्मन ही नहीं थी जिस बंदे ने हमें गोलियां मारी मेरे फैमिली को जानते भी नहीं थे वो हमने हमने क्या बिगाड़ा था मेरे छोटे बहन भाई उसका क्या बिगाड़ सकते थे बिकॉज उसने किसी की अथॉरिटी फिगर को उसने येस yes किया हुआ था सो so, uh, उसने उसकी इस इस चीज़ को इस फिनमिना को ओबीडियंस की स्टडी को ओबीडियंस के फिनमिना को उसने स्टडी करना चाहा बिकॉज उसके साथ कुछ इस तरह की चीज़ हुई

वॉक ऑफ लाइफ से मर्द औरत और उसने रैंडमली लोगों को सोसाइटी में से सेलेक्ट किया और उनको कहा कि हम एक आ, आ, लर्निंग एक्सपेरिमेंट यानी कि उनको डिसेप्शन यूज़ किया उस एक्सपेरिमेंट में कि उनसे बताया कि एक्चुअल वो ओबीडियंस स्टडी करना चाहता था लेकिन लोगों को ये बताया जैसे मैं आपको बताऊं कि मैडम हम जो है एक लर्निंग एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनेगी आपने करना ये है कि यहाँ पर एक शीट लगी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक शीट लगा दूँ आप नहीं देख सकती कि उधर कौन बैठा हुआ है और जो आपका जो लर्निंग एक्सपेरिमेंट में होगा यू कैन नॉट सी बस आपको उसकी आवाज़ आ सकती है थ्रू माइक तो आपने यहाँ पर के ना उससे कोई वर्ड्स रहे यानी कि आपका जो है ना लर्निंग का एक्सपेरिमेंट है फॉर एग्जाम्पल आपका कोई वर्ड है लेट्स इज यू सी ए टी तो उसने भी आगे से सी ए टी ही बोलना है ठीक है और उसका वर्ड कैट इस टाइम तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो गलती करता है तो आपने उसको इलेक्ट्रिक शॉक देना ठीक है ठीके? पहले आपने उसको छोटे वोल्ट का शॉक देना है और जैसे जैसे वो गलती करता जाएगा हर गलती पर उसका जो इलेक्ट्रिक शॉक का जो इंटेंसिटी होगी बढ़ती जाएगी आपको पता है कि 450 फिफ्टी पर इंसान इलेक्ट्रिक शॉक पर इंसान मर सकता है जल सकता है यू नो तीन 300 uh, उसका झटका अगर किसी को बिजली का पड़े तो ऑब्वियसली इंसान तो वो फोर फिफ्टी तो वो उनका ये था कि आपने लर्निंग एक्सपेरिमेंट आप जो है आपने करना है तो मैंने मैम को कहा कि आपने ये वर्ड बोलना है उसने भी ये वर्ड बोलना है फिर आपने नेक्स्ट वर्ड बोलना है और हर गलती पर आपने इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो तेज कर नाव मैंने आपको बताया स्क्रीन के पीछे वो बंदा बैठा हुआ है और ये नहीं देख सकती वो सिर्फ आवाज सुन सकती सो so, अब ये गलती जब भी वो करता है वो इलेक्ट्रिक शॉक ये इनको पहला बटन दबाती जो लाइटर इलेक्ट्रिक शॉक है वो बंदे की चीख आती है कहते क्या है ये तुम बंद करो इसको वो पीछे मुड़ के यानी कि वो उसको देखता है कि अथॉरिटी फिगर को वो कहता है करो यू कीप ऑन गोइंग ये इट्स अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस वो फिर उसको नेक्स्ट उसको फिर गलती करता है फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक ये देती हैं फिर इलेक्ट्रिक शॉक वो देती और करते, करते 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 वो बंदा चीख रहा है और ये पीछे मुड़ के देख रही होती है कि उस बंदे को तकलीफ हो रही है वो चीख रहा है वो कह रहा है कि इसको बंद करो ये मुझे दर्द हो रही है मैं जल रहा हूँ मेरी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से लेकिन क्योंकि मैंने इसको कहा है ये मुझे देख भी रही है वो कह रहा है करते जाओ करते जाओ क्योंकि मैंने कहा करती भी गई मुझसे देखा कि 65 परसेंट जो लोग थे 65 ऑफ़ द वेंट टू एंड। और एंड तक 450 के जो वॉल्ट का जो झटका था बिजली का उसको देते गए कुछ ने आके कहा कि बस मैं नहीं देकर रहा एक्चुअली स्क्रीन के पीछे कोई भी नहीं था दर वॉज नो वन किसी को बिजली का झटका नहीं मिल रहा था वो रिकॉर्डिंग चल रही थी किसी को भी लेकिन वो स्टडी देखना ये चाह रहा था क्योंकि मैंने कहा है तो क्या ये करेगा सो so उसमें उसने देखा कि 65 फाइव परसेंट क्योंकि ना मैं आपको जानती मैंने तो रैंडमली और आप बिजली का झटका जिसको आप जानते भी नहीं और आप देखिए क्योंकि मैंने आपसे कहा सो so ये ह्यूमन सोशल फिनमिना है ये लोग कर रहे होते हैं सो so ये ओबीडियंस का इससे ये एक स्टडी किया था ये मिलग्रम का आप लोगों को बल्कि अब मैं आप लोगों को टास्क आप लोगों का ये है रीडिंग मटेरियल ये है कि आपने इस इस स्टडी ऑफ ओबीडियंस स्टडी ऑफ ओबीडियंस सोशल साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है सोशल um, जो ओबीडियंस का है uh, आपने उसको स्टडी करना है मिलग्रम स्टैनली मिलग्रम स्टडी ये आपने इसको पढ़ना है इसके पीछे क्या हुआ इसकी डिटेल स्टडी करनी तो आपको समझ आएगी कि ह्यूमन बिहेवियर हाउ दे ऑपरेट तो वहाँ पे कुछ लोगों के जो आंसर्स थे वो आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू आंसर एनी मोर गेट मी आउट ऑफ हे यू कंट होल्ड मी हे गेट मी आउट लेट मी आउट ऑफ हे लेट मी आउट ऑफ एय अच्छा ये बाय द वे ये जो uh, इसकी फुटेज है यूट्यूब पे मौजूद भी है इस एक्सपेरिमेंट के इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं ऑबीडियंस के ऑब्वियसली रूल्स एंड स्ट्रक्चर आज हमारे सोसाइटी में रूल्स और स्ट्रक्चर खत्म तो करें आप एक ट्रैफिक लाइट बंद तो करें देखें होता क्या है आपको पता क्या होता है अगर हम इंसान बने हुए हैं ना तो ये ट्रैफिक लाइट्स की वजह से हम रुक जाते हैं ठीक है ये आप ट्रैफिक लाइट्स वरना तो आपकी तो सारी हर जगह जैम पैक्ट हो चोक्ट हो आपके सारे जितने भी सो so ये कभी कभार रूल्स एंड स्ट्रक्चर अस टू अ हार्मनी वरना तो एक शख्स होता है जो पूरी इस चीज को खराब करता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है अनएथिकल बिहेवियर ब्लाइंड ओबीडियंस लॉस ऑफ पर्सनल मोरालिटी ये वही सारी बातें हैं जो आर्मी की वो जो मैंने एग्जांपल दी क्योंकि मैंने कहा तुमने उन जाकर लोगों को मार दिया ठीक हो गया अच्छा जी सो रिकैप वेरी क्विकली कन्फॉर्मिटी ऑफ ओबीडियंस में क्या फर्क है एक्सेलेंट सो so, आपके पास ओबीडियंस इसलिए कर, कहते हैं क्योंकि आपकी अथॉरिटी फिगर ने आपको कहा इसलिए क्योंकि उसमें पावर ऑफ हरारकी है आपका स्टेटस को वो सारा कुछ होता है लेकिन कन्फॉर्मिटी में आप सोशल प्रेशर्स की वजह से उसमें अथॉरिटी फिगर कोई नहीं होगा वो आपने वीडियो देखे कोई अथॉरिटी फिगर नहीं था सोशल प्रेशर था सब कर रहे अच्छा मुझे भी यही करना ठीक हो गया एंड लास्ट वट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लायस एंड ओबीडियंस आप ना भी मानो कुछ नहीं होगा उसमें आपको मानना पड़ेगा एक्सिलेंट तो कंप्लायस रेफर्स टू एडजस्टिंग वन बिहेवियर ड्यू टू द रिक्वेस्ट सजेशन फ्रॉम द अदर्स और वो इतनी पावरफुल रिक्वेस्ट होती है कि हम वाकई उसका हिस्सा बन जाते हैं हम चीज़ें खरीद के बैठे गए और तो हम घर आके कहते हैं हमने क्यों खरीदा यार इसकी क्या जरूरत है ठीक है एंड ओबीडियंस इज डायरेक्ट ऑर्डर्स कमांड्स अच्छा जी स्ट्रेटजीज दिस इज द लास्ट हम कैसे जो है इन चीज़ों से बच सकते हैं अनड्यू इन्फ्लुसिव वाइल्ड मेन्टेनिंग और आइडेंटिटी सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारी जो अपना एक जो ओपिनियन है हमारी जो अपनी एक आवाज़ है हमारा जो अपना एक मॉरल स्टैंडर्ड है हमारी जो अपना एक थिंकिंग प्रोसेस बिलीव सिस्टम हमारा बिहेवियर है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो तो उसमें हमारी जो बेसिक आप लोगों के साथ तीन चीज़ें मैं शेयर करूँगी वो नंबर वन है क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा वेल्यूएट करें कि आपसे जो रिक्वेस्ट आपको दी जा रही है उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमेशा वेलुएट करें क्रिटिकली एवेल्युएट करें ठीक है उसकी उसकी सिग्निफिकेंस देखें कि है क्या एंड बिहेवियर्स क्रिटिकली अवेयरनेस होनी चाहिए रिकोग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मैकनिजम ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस जैसे मैंने आपको आज बताया कि सोशल इन्फ्लुएस के बहुत तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे जिसमें आपका कंफर्मेटी कम्पलाइंस एंड ओबीडियंस कहीं आप इसका शिकार तो नहीं हो रहे सो so जब आपकी आज आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आई एम प्री श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे अपना बिहेवियर या बिलीफ सिस्टम सामने रख रहे होंगे आप देखेंगे कहीं मेरे सोशल अनड्यू सोशल इन्फ्लुएंस का नेगेटिवली इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा अगर तो पॉजिटिव है इंजॉय करो मैंने आपको कहा कि कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वेस्ट है उसको डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है एंड हाउ मच इट इज अफेक्टिंग यू आप उसको किस परस्पेक्टिव से देख रहे हो वो डिटर्मिन करेगा सो रिफ्लेक्ट्स अ पर्सनल बिहेवियर एंड मोटिवेशन एंड एफेक्टिव कम्युनिकेशन समाइम लोगों को डरते हैं बात ही नहीं करते यार रहने डरते यार तुम छुप्रुप्रुप नहीं यू शुड नो हाउ टू बी यू नो जहाँ पर आपको अपनी असर्टिवली uh, बात करनी है यू शुड नो हाउ योर असर्टिव कम्युनिकेशन असर्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर मेरी इसी प्लेटफॉर्म से एक पूरा लेक्चर जो है यूट्यूब पे आप लोगों को मिल जाएगा हाउ टू कम्युनिकेट हाउ टू से समटाइम्स नो एंड एफेक्टिवली विदाउट बींग रूड असर्टिवली आपने किसी की uh, कैसे अपनी जो है बात जो है अपना बिलीव सिस्टम अपने वैल्यू जो है अपने कन्वे करने हैं करना है मेंटेनिंग द विन विन सिचुएशन विदाउट बीइंग रूड और अथॉरिटेटिव होने या अथॉरिटेरियन होने से uh, हट कर आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकते हैं uh, अपना फीडबैक कैसे शेयर कर सकते हैं और आप अपनी पर्सनल वैल्यूज को आप कैसे शेयर कर सकते हैं सो फाइनल थाट इंपॉर्टेंट ऑफ अवेयरनेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन नेविगेटिंग सोशल इन्फ्लुस एंड इफ़ यू हैव एनी Uh, personal experiences and observation that you would like to share right now. The house is open for feedback, personal experiences, and question answers. Ji. Explicit or implicit mm -hmm. request. Mm -hmm. <laughs> nee. e implicit or explicit? your uh, request thi. Koi एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट क्या थी एक्सप्लिसिट और इम्प्लेसिट रिक्वेस्टिट हाँ मैं आपसे कहती हूँ कि मैडम काइंडली एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए डोनेशन कर दे ये एक्सप्लिसिट मतलब ये डायरेक्ट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही करी वन ओ वन ये रिक्वेस्ट है और दूसरा इम्प्लेसिट रिक्वेस्ट कैसी होगी बाय एक्शन फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम्पल दे रही हूं कि मैं इस माइक को ठीक करना चाह रहा अब मैं उसको बता रही हूं कि मेरी हेल्प करने को आओ सर सर जैसा बिल बोर्ड्स होते हैं बिल बोर्ड्स लगे हुए होते हैं वो आपको क्या कह रहे हैं कि हमारी चीज हमारा प्रोडक्ट ले वो आपसे रिक्वेस्ट करें कि वी आर द बेस्ट तो हमारा ये जो चाहते भी आपके uh, एडवर्टाइज सो so, ये इम्प्लेसिड इनसाइड

से ऐसी चीजें बनाई हुई है कि जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं बस वो वो जो मैंने आपको वो जो मंकी की एक्सपेरिमेंट दिया ना वो हर कोई क्योंकि वो करते आए हैं तो हम कर रहे हैं किसने शुरू किया क्यों किया कैसे हमें कुछ नहीं पता सो आई आई एग्री विद यू थैंक यू थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट दैट वाज वेरी एनी वन एल्स जी प्रेशर में में ये भी आ जाता है कि हम जो कुछ बनना चाहते हैं या में करना चाहते हैं हैं या फ्यूचर करना की मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा <laughs> देखो अब यहाँ पर ना ये अगर सर कैमरा बंद हो जाए तो फिर मैं जरा इसका सही जवाब देना चाहूंगी देखो पढ़ाई करो दे, एक होता है कि आपका दिल नहीं है इंजीनियर आपका हम पूरी श्योर कि आपका इंजीनियर बनने का दिल होगा लेकिन हम अपनी कुछ आदात से भी तो मजबूर है ना कि हमने काम नहीं करना हमने नहीं पढ़ना ठीक <laughs> है जी सो so, हाँ आई एग्री बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं क्योंकि वो इसलिए भी कुछ कर रहे होते हैं वो जो इंडियन मूवी है थ्री इडियट्स उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है रिगार्डलेस ऑफ के वो जो मूवी है वो हमारे नेबर कंट्री की है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है वो थ्री एडियट्स का क्यों बनना कुछ और चाहता है कहते मैं खुश तो रहूँगा ना तो वो एग्री वो सोशल प्रेशर के ऊपर इंजीनियर डॉक्टर्स भारा का जो कॉन्सेप्ट है एग्री एग्री लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि ये ये ट्रेंड भी चेंज हो रहे हैं सब चेंज हो रहे हैं